सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक माय यूट्यूब चैनल डे नाइट क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम डेली झारखंड पीजीटी का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। और आज जो हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर थर्ड चलेंगे और उनका जो आगे पार्ट वाला करेंगे। जो भी न्यू व्यूअर होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको झारखंड पीजीटी में आपको अगर सेलेक्शन लेना है तो, क्योंकि जो ऐसे सेट तैयार किए हैं जो आपको 100% बात करते हैं कि आपको सेलेक्टेड लिस्ट में आएगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज चलने वाले हैं, आप लोग कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन आज हम लोग 91 से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन 91 जो है आपका देखने को मिलता होगा, जो क्वेश्चन नंबर 91। तो देखिए, 91 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाई डज सेटन डिसाइड टू स्टे इन हेल। तो ऑप्शन है सो ही, डबल हो गया है, ठीक है, सो ही वाज ए हैज ए प्लेस टू इनवाइट द फॉलन एंजल्स। नेक्स्ट है सो ही कैन रेन एज ए मास्टर, एंड सो ही कैन रिलैक्स, एंड सो ही कैन मेक इविल प्लान्स अनडिस्टर्ब। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से जो सेट तैयार किया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर है ये, मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू वर टू वेयर, ठीक है, टू वेयर डू सेटन एंड बेलजीबो फ्लाई। तो ऑप्शन है देखिए, पहला ऑप्शन है आइज, ठीक है, आइजलेट, और दूसरा ऑप्शन है जंगल, तीसरा ऑप्शन है पैराडाइज पैराडाइज, और तीसरा ऑप्शन है द सोर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताएंगे, और आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा बी। देखिए, जो भी देख रहे हैं आप साथ साथ में नीचे इनबॉक्स है उसमें कमेंट करें कि क्या ऑप्शन आपका, क्या ऑप्शन होगा, क्या राइट होगा, वो इससे आपको प्रैक्टिस होता है, ठीक है। ये सोचे नहीं, उसको टाइप करें ताकि याद होता है, ठीक है। बीच ऑफ द एग्जाम में आपको याद हो जाएगा कि यही ऑप्शन था, इस तरीके से आया हुआ था, तो यही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीप डिमोन, ठीक है। तो एक है मुलाक है, सीन है, और चेमस केमोस है, और बेलिम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो चीफ है ना, नॉट ए चीफ है, तो बोलिए क्या होगा राइट ऑप्शन। चलिए बोलिए, फटाफट बोलिए आप। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि राइट ऑप्शन क्या होगा आपके अनुसार। तो मेरे अनुसार यहाँ सीन होगा, ठीक है, चलिए देख लीजिए, देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच डेमोन क्लेम्स द राइट टू कैरी सेटन्स स्टैंडर्ड। देखिए, है मोलाक है, एस्ट्रो एस, ठीक है, एस्टोरेथ है, और आइजल है, और केमोस है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, जल्दी बताएंगे आप लोग। आप लोग के लिए मात्र 5 सेकेंड है, चलिए बताइए। चलिए राइट क्या होगा ऑप्शन, बोलिए ऑप्शन आपका राइट होगा क्या होगा ऑप्शन, कोई बता रहे हैं। चलिए, इसका राइट होगा जाएगा आपका, ठीक है, एजल, ठीक है, एजल यानी सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्टॉप्स सेटन फ्रॉम स्पीकिंग, यानी बोलने से सेटन को क्या चीज़ रोकता है। देखिए, गॉड्स वॉइस है, नॉइज ऑफ द क्राउड है, ए सोर थ्रॉट है, और हिज टीयर्स है। तो बोलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपका राइट ऑप्शन बोलिए क्या होगा, चलिए इसका राइट ऑप्शन जो है आपका 95 का ऑप्शन नंबर ही टीयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ठीक है, बैनर्स डू द फॉलन एंजल्स राइज।
ठीक है, कितने फॉलन एंजल एंजल जो एंजल्स हैं, देखिए 1 लाख है, ठीक है, फिर 20 है, और फिर 1,000 है, और फिर 10,000 है। तो बोलिए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, आप लोग बताइए, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, ठीक है, 97 की आइए। वाई इज सेटन सो टच्ड बाय हिज फ्लावर्स फ्लावर्स। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ, दे अनविल ए स्टेटस ऑफ हिम, दे चेंट हिज नेम, दे हैव ट्रेवल ए लॉन्ग वे, द फ्लावर, ठीक है, फ्लावर्स फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स आर नो डेम्ड फॉर हिज स्नेक सेक, सॉरी हिज सेक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बोलिए जल्दी बोलिए, इसका राइट ऑप्शन जो है क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट कर दिए हैं, राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एमा मीट हैरियट। तो देखिए कैसे एमा हैरियट से मिलती है। मिस्टर नाइटली इंट्रोड्यूस देम, मिस गोडार्ड इंट्रोड्यूस देम, और मिस्टर वेस्टर्न इंट्रोड्यूस देम, और मिस बेट्स इंट्रोड्यूस देम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा, बोलिए क्या होगा ऑप्शन। चलिए बोलिए फटाफट बोलिए, और आपने जो है कर दिए होंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है 98 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर ना, ठीक है, 9 कितना है, 99। व्हाट कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट डज मिस्टर वुडहाउस हैव रिगार्डिंग द फूड सर्व एट ए डिनर पार्टी हार्ट, ठीक है, हार्टफील्ड। तो देखिए, इट इज टू लेट, इट इज टू होलसम, एंड इट इज नॉट होलसम एनफ, और इट इज टू कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बोलिए। जल्दी बोलिए, चलिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैन इज हैरियट अट्रैक्ट टू व्हेन एमा एमा फर्स्ट बिफ्रेंड्स हर। तो ऑप्शन है, वेस्टर्न है, मिस्टर मार्टिन है, और मिस्टर एल्टन है, मिस्टर नाइटली है, बोलिए राइट ऑप्शन क्या होगा। बोलिए क्या होगा 100 का। चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मार्टिन मार्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं। 101 क्या है, वाई डज एमा नॉट अप्रूव्ड हैरियट्स चॉइस ऑफ मेन। बताइए, एमा थिंक द मेन इज टू पुअर टू सपोर्ट ए वाइफ, एमा थिंक्स द मेन इज टू पुअर फॉर हैरियट, एमा थिंक्स द मेन इज अनअट्रैक्टिव, एमा थिंक्स द मैन इज नॉट जेंटलमैन एनफ फॉर हैरियट। चलिए बोलिए राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए बोलिए 101।
चलिए डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हु डज एमा डिसाइड, ठीक है, डिसाइड टू मैच हैरियट विथ इंस्टेड, एमा जो, ठीक है, हैरियट के साथ जो है किसको, किसके मतलब हैरियट को किसके साथ मैच कराने की कोशिश करता है तुरंत। तो देखिए, मिस्टर है नाइटली है, एल्टन है मिस्टर, और मार्टिन है और वेस्टन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा। देखिए जो भी आ रहे हैं चैनल को, चैनल में जो भी आ रहे हैं, थोड़ा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा सेट और लाइक की रोक दें, बोलिएगा तभी हम, कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। हु डिसप्रूव्स ऑफ एमाज फ्रेंडशिप विथ हैरियट, हैरियट के साथ जो फ्रेंडशिप, एमा का फ्रेंडशिप हैरियट के साथ जो है, कौन डिस अप्रूव्स करता है। तो देखिए यहाँ पे है एल्टन है, वुडहाउस है, वेस्टन है और जॉर्ज नाइटली है। तो ऑप्शन क्या राइट होगा बताइए, ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा। तो मिस्टर एल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 में देखेंगे, व्हाट विजिटर्स आर द वुड हाउसेस एक्सपेक्टिंग फॉर क्रिसमस, मिस्टर और मिसेस वेस्टन, जॉन नाइटली, हिज वाइफ इजाबेला, चर्चिल और एल्टन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बोलिए जल्दी। चलिए आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 104 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 104 का राइट ऑप्शन बी होगा। और सॉरी, थोड़ा यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ एल्टन नहीं होगा, मिस्टर जॉर्ज नाइटली होता है, ठीक है, यही आके जो है एमा के साथ ज़्यादा मतलब डिस डिस ये जो है एक्सटेंड हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं और एमा को थोड़ा ये करने लगते हैं, ठीक है, डांटने लगते हैं कि हैरियट के लायक है और ये अनलाइक कर देती है, ठीक है, इसका नहीं होगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, ये उसके पहले वाला देखिए, ये नहीं होगा आंसर, आपको ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, 105। व्हाट डज मिस्टर ब्रूक सॉ सॉ ड्रो है ना ड्रोथी ओपन हर रिटर्न टू टिप टिप्टन, ठीक है, मिस्टर ब्रूक है, ड्रोथी को क्या दिखाते हैं जो रिटर्न होती है कहाँ, टिप्टन में। एन इंजरी इंजरी और हिज नेफ्यू हॉर्स, ए लेटर और प्लान्स ऑफ ए हाउस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए जुड़े रहिएगा, लगातार कंटिन्यू रहिए, आगे पार्ट में हम लोग इसको करते हैं। ओके।